हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, जीके, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन का वीडियो है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन रहेंगे हमारे कोडिंग डिकोडिंग के, और चार क्वेश्चन रहेंगे हमारे वेन डायग्राम से। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि हाउस को FQSUC लिखा जा सकता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आपको पैटर्न पहचानना पड़ता है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है पहचानना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरा वाला सॉल्व करना पड़ता है। तो पहला क्या दिया है, हाउस, HOUSE, ठीक है, हाउस दिया हुआ है। तो यदि हम H में माइनस टू करते हैं तो हमारा आएगा F, और O में प्लस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा Q। इसी तरह U में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा S। उसी तरह हम S में प्लस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा U। उसी तरह E में हम लोग माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, C। यानी कि एक बार प्लस टू किया जा रहा है, एक बार माइनस टू किया जा रहा है, एक बार प्लस टू किया जा रहा है, फिर माइनस टू किया जा रहा है, फिर प्लस टू किया जा रहा है, फिर माइनस टू किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग अब चेयर को सॉल्व करेंगे, CHAIR, ठीक है, चेयर है। तो मैंने बताया, एक बार आपको माइनस टू करना है, एक बार आपको क्या करना है, प्लस टू करना है। तो सी में हम लोग माइनस टू करते हैं, सी में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। एच में प्लस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा जे आएगा। इसी तरह ए में फिर माइनस टू करते हैं तो हमारा वाई आएगा। इसी तरह आई में प्लस टू करेंगे तो हमारा के आएगा। और लास्ट में बचता है आर, इसमें हम लोग करेंगे प्लस किया, माइनस टू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी। यानी कि एक बार माइनस टू, देन प्लस टू, फिर माइनस टू, देन प्लस टू, फिर माइनस टू। तो यहाँ पे हमारा जाएगा आंसर AJYKP, जो कि हमारा ऑप्शन डी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, यदि मदर को KMRFCP लिखा जाए तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, दिया है, यदि मदर को KMRFCP लिखा जाए तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मदर, MOTHER, ठीक है, यहाँ लिखा है मदर। हम लोग ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग M में माइनस टू करते हैं, M में माइनस टू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, K, ठीक है। M फिर से देखते हैं, OTHER, ठीक है। यदि हम M में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा K। इसी तरह O में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, M। इसी तरह हम लोग T में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, R। H में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, F। E में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, E में माइनस टू करते हैं तो हमारा आएगा C, और R में माइनस टू करते हैं तो हमारा आएगा P। तो इस पैटर्न में क्या देखा कि हमें M में माइनस टू, O में माइनस टू, हर एक अल्फ़ाबेट में माइनस टू करके KMRFCP आया है। अब हम लोग देखते हैं हाउस, HOUSE, हाउस दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H में माइनस टू करते हैं तो हमारा क्या आएगा, F। O में माइनस टू करते हैं तो हमारा आएगा M। U में माइनस टू करते हैं तो हमारा आएगा S।
एस में माइनस टू करेंगे तो हमारा आएगा क्यू, इसी तरह ई में माइनस टू करेंगे तो हमारा आएगा सी, यानी कि एफ एम एस ओ सी, ठीक है, एफ एम एस सॉरी यहाँ क्यू सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में हमारा साफ साफ दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लगा भी दिया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। एम ओ टी एच ई आर सभी में माइनस टू किया गया है तो हमारा ये आया है। इसी तरह हम लोग हाउस में माइनस टू करेंगे तो हमारा क्या आएगा एफ एम एस क्यू सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व हो गया, हम लोग चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुतुब मीनार दिल्ली एफिल टावर को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपको संबंध दर्शाना है किसमें, कुतुब मीनार दिल्ली और एफिल टावर में। तो जैसा कि आपको पता है कि कुतुब मीनार ये कहाँ है, मान लीजिए कुतुब मीनार है ये कहाँ है दिल्ली में, और एफिल टावर ये भारत में नहीं आता, ये अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऐसा वेन डायग्राम, यानी कि कुतुब मीनार है दिल्ली में और एफिल टावर दिल्ली भारत में नहीं आता है, ये अलग कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कुतुब मीनार दिल्ली एफिल टावर में आपस में किस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दिल्ली जो कि सॉरी यहाँ पे कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है और एफिल टावर ये अलग देश में आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, कौन चित्र डॉक्टर स्त्री और माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अलावा कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो क्या है, कौन सा चित्र डॉक्टर स्त्री माता का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो जो माता होती हैं, ठीक है, जो माता होंगी वो स्त्री ही होंगी, ये आपको पता है। ठीक है, माता जो है स्त्री ही होंगी, ठीक है, बहुत आसान है ऐसा सोचना। और कुछ डॉक्टर स्त्री होते हैं और माता भी होती हैं, ठीक है। देखिए माता स्त्री ही होंगी, ठीक है, माता फीमेल ही होती हैं, स्त्री ही होंगी, ठीक है, ये माता हो गई मदर, ये हो गई फीमेल यानी कि स्त्रियां। और जो कुछ डॉक्टर होते हैं, ठीक है, कुछ डॉक्टर माता भी होती हैं, यानी कि किसी की मम्मी डॉक्टर भी होती हैं, और आपको पता है कि कुछ डॉक्टर जो है फीमेल भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये वाला दिखाता है माता को, ये वाला ब्लॉक दिखाएगा स्त्री को, और ये दिखाएगा कुछ डॉक्टर स्त्री भी होती हैं और मदर भी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए ये है ता, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये है माता, आपको पता है सभी माताएँ फीमेल होती हैं, और ठीक है, और ये हैं कुछ डॉक्टर ऐसी होती हैं जो कि, देखिए सभी डॉक्टर फीमेल नहीं होते, कुछ मेल भी होते हैं कुछ फीमेल भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर किसी की मम्मी भी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको इस्टेब्लिश करना है रिलेशन ब्लैक बोर्ड कक्षा स्कूल के बीच सर्वोत्तम संबंध बताया, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड कक्षा स्कूल, बहुत ही आसान है। देखिए एक जो लास्ट का क्वेश्चन होगा उसको आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो ये क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड कक्षा स्कूल, ठीक है। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ब्लैक बोर्ड कक्षा और स्कूल के बीच आपको संबंध बताना है। देखिए आपको पता है कि ब्लैक बोर्ड ये कक्षा में होते हैं, क्लास में होते हैं, ठीक है, आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, और क्लास कहाँ पर होती है, स्कूल में होती है, आसान है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ब्लैक बोर्ड कक्षा में होता है और कक्षाएं कहाँ पर होती हैं, स्कूल में होती हैं। तो ये क्या है आपका ब्लैक बोर्ड, ये क्या है क्लास, और ये क्या है स्कूल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, बहुत ही आसान है। ब्लैक बोर्ड क्लास में होती है, क्लास स्कूल में होती हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड
क्लास एंड दिस इज फॉर स्कूल, यानी कि ब्लैक बोर्ड, कक्षा, स्कूल, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। मैंने कहा था एक क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना होगा, कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चन क्या है, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख फूल, कमलों और गुलाबों के बीच संबंध का सही प्रकार दर्शाता है। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। फूल, कमल और गुलाब, ठीक है, फूल, कमल और गुलाब में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। फ्लावर, लोटस, ठीक है, एंड रोज, फूल, कमल और गुलाबों के बीच आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।